अगर आपसे पूछा जाए कि खून का रंग कैसा होता है तो जाहिर सी बात है आपका जवाब यही होगा कि खून का रंग लाल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं में से कुछ ऐसे होते हैं जिनकी खून का रंग लाल नहीं बल्कि नीला, पीला, हरा, बैंगनी और सफेद होता है। हालांकि सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन ये सच है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन से जीव हैं जिनकी खून का रंग लाल नहीं कुछ और होता है। हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं एनिमल्स वाइंस। ऑक्टोपस। ऑक्टोपस एक समुद्री जीव है जो काफी बुद्धिमान भी माना जाता है। कहा जाता है कि ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं लेकिन असल में इसके 6 हाथ और 2 पैर होते हैं। इसके अलावा ऑक्टोपस की एक निराली बात है कि इसके खून का रंग लाल नहीं बल्कि नीला होता है। दरअसल इसके खून में तांबे की मात्रा काफी ज्यादा होती है जिसके कारण ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। क्या आप जानते हैं कि ऑक्टोपस के पास एक नहीं बल्कि 3 दिल होते हैं जबकि 9 दिमाग। 2 दिल ब्लड को पंप करने का काम करते हैं जबकि तीसरा ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करता है। अब तक इसकी 300 प्रजातियों की खोज हो चुकी है। जाइंट पैसिफिक ऑक्टोपस का वजन 15 किलो तक होता है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ऑक्टोपस माना जाता है। जाइंट पैसिफिक ऑक्टोपस का जीवन काल 3 से 5 साल का होता है। सी क्यूकम्बर। ये जीव एकाइनोडर्मस ग्रुप से संबंधित हैं, जो समुद्र में पाया जाता है। इसकी 1250 से ज्यादा प्रजातियां हैं। ये आमतौर पर समुद्री तल पर पाए जाते हैं। केवल कुछ ही प्रजातियां हैं जो पानी की सतह पर पाई जाती हैं। इस जीव के खून का रंग लाल नहीं पीला होता है। दरअसल इसके खून में 10% हिस्से में वेनेडियम पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण इसके खून का रंग पीला होता है। ये भी हीमोग्लोबिन की तरह ही एक तरह का पिगमेंट है। इसकी सबसे छोटी प्रजाति 0.12 इंच तक पहुंचती है जबकि सबसे बड़ी प्रजाति 3.3 फीट तक लंबी हो सकती है। आमतौर पर इनकी लंबाई 3.9 से लेकर 12 इंच तक होती है। इनका शरीर सिलेंड्रिकल होता है। सी क्यूकम्बर के रंग की बात करें तो ये रेड, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन और ब्राउन रंग के होते हैं। जहां ऑक्टोपस में 9 ब्रेन होते हैं लेकिन इनमें एक भी ब्रेन नहीं होता। ये अपने एनस से सांस लेते हैं। ये एक नॉकटर्नल क्रिएचर है जो रात के समय ज्यादा एक्टिव रहता है। इनका लाइफ स्पैन 5 से 10 साल के बीच होता है। ये सेल्फ रिप्रोडक्शन करने में सक्षम होता है जो बिना पार्टनर के भी रिप्रोडक्शन कर सकता है। पीनट वर्म। पीनट वर्म गर्म और ठंडे पानी वाले इलाके में पाए जाते हैं जो इंटरडियल जोन और 22,510 फीट के बीच की गहराई पर है। इनकी कुछ प्रजातियां रेत या फिर कीचड़ में पाई जाती हैं। पीनट वर्म का खून ना तो पीला और ना ही लाल होता है। इसका खून बैंगनी रंग का होता है। ऐसा हीमेरेथ्रिन की वजह से होता है। पीनट वर्म को साई फंकुलस नाम से भी जानते हैं जिसका लैटिन में अर्थ होता है लिटिल ट्यूब या फिर साइफन। क्रोकोडाइल आइस फिश। इसे व्हाइट ब्लडेड फिश भी कहते हैं क्योंकि इसका रंग सफेद होता है। दरअसल इस मछली के खून में हीमोग्लोबिन हेमोसाइनिन नहीं होता। ये अंटार्कटिका के आसपास सदर्न ओशन में पाए जाते हैं। इस मछली का सिर कुछ कुछ मगरमच्छ की तरह बड़ा होता है जिसकी वजह से इसे क्रोकोडाइल आइस फिश कहते हैं। इनका शरीर ग्रेइश, ब्लैक और ब्राउन होता है। इनके पेक्टोरल फिन्स काफी बड़े होते हैं और 2 डोर्सल फिन्स होते हैं जो लंबी और लचीली स्पाइन से जुड़े होते हैं। ये करीब 30 इंच तक बढ़ सकते हैं। प्रेसिनोहिमा। हरे रंग के शरीर वाले इस जीव का नाम प्रेसिनोहिमा है। इसके खून का रंग हरा होता है जो बाइल पिगमेंट बिलीवर्डिन की वजह से होता है। ये जीव न्यू गिनी में पाया जाता है। अगर इंसान के खून में बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन पाया जाता है तो ये कहा जाता है कि उसे पीलिया हो गया है क्योंकि बिलीवर्डिन बेहद टॉक्सिक होता है। प्रेसिनोहिमा में मछलियों की तुलना में ये 40 गुना ज्यादा होता है। इसकी मांसपेशियां तक हरे रंग की होती हैं, यहां तक इसकी जीभ भी हरे रंग की होती है। प्रेसिनोहिमा एक छोटा सा ग्रीन सेलेमेंडर है। बिलीवर्डिन एकदम वैसा ही पिगमेंट होता है। जब कोई चोट या घाव लगने पर स्किन का रंग हरा होता है। आपने देखा होगा कि जब आंख में चोट लग जाती है तो वो हरे नीले रंग की तरह दिखने लगती है, वैसा ही रंग इसका होता है। ये कुछ ऐसे जीव थे जिनके खून का रंग लाल नहीं बल्कि हरा, पीला, बैंगनी और नीला होता है। आपको इनमें से कौन सा जीव पसंद आया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही आप कौन से जीव के बारे में जानना चाहते हैं हमें कमेंट करें, हम उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद दोस्तों।